सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष थी और पार्टी बेइंबोर होने के कारण पार्टी को छोड़ना पड़ा हमें और यहाँ पर मुझे नया प्रत्याशी घोषित किया गया है बाड़ी विधानसभा से, इसी नाते बैठक में। आप सुहेलदेव पार्टी में काफ़ी कद्दावर नेता थी, आपका काफ़ी जनसैलाब भी आपके साथ था और जनता में आपकी काफ़ी पकड़ थी, क्या कारण रहा कि आपने पार्टी छोड़कर और भाजपा ज्वाइन कर लिया? ऐसा है कि जब हम लोग प्रदेश के नेता दो तीन, हम अर्चना विश्वकर्मा जी हैं और नीलम राजभर जी मैं हैं, महिला जब सम्मेलन होता था उस समय प्रदेश की नेताओं का मतलब जहाँ भी महिला सम्मेलन होता था हम लोग वक्ता थे। इसके बाद भी हम लोग का फोटो और नाम नहीं बैनर पोस्टर पर आता था और पार्टी में इंबोर होने के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। जैसे कि 25 तारीख को यहीं पर कार्यक्रम लगा था, 25 तारीख को लगा था, हमारा पूरा 10-15 दिन हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा का रैली था सपा और भाजपा की, उसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके भीड़ को इकट्ठा करने का काम किए। उसके बाद हम लोगों को मन से बोलने नहीं दिया तो गया, तो नाम बोला गया, इस नाते पार्टी को छोड़ना पड़ा। तो एक तरफ जहां सारी पार्टियां कह रही हैं कि महिला भी पुरुष प्रत्याशियों से कम नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि सुहेलदेव पार्टी में जब थी तो महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा था? पार्टी कुछ शीर्ष नेताओं के द्वारा मतलब भेदभाव हो रहा था, उनको लग रहा था कि हमेशा हमको दबाया गया था कि हो सकता है यही हमसे ही डर था कि ये विधानसभा का चुनाव यही लड़ने लायक है, यही लड़ जाएगी, इसी नाते हमको वोट किया जाता था। अच्छा, अब तो 62 विधानसभा से आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, जहाँ एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि मैं जहाँ जाऊँगा मैं गाड फादर हूँ राजभर बिरादरी का, जहाँ मैं जाऊँगा मेरे पीछे सब लोग चले आएंगे राजभर बिरादरी, और एक तरफ जहाँ अपने सुहेलदेव पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन थाम लिया, कहाँ तक आप कामयाब रहेंगे? वो गाड फादर है तो मैं भी तो गाड मदर हूँ। अभी आपने कहा कि आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है और नाते जी की भी कोई लिस्ट तो आ ही नहीं है, क्या मान लिया जाए कि आप घोषित प्रत्याशी हो गई है? क्या अभी आपने कहा कि आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है, बलिया के लिए बीएसपी की लिस्ट तो आई नहीं है मीडिया के सामने, मान लिया जाए कि आप घोषित प्रत्याशी हो गई? नहीं आया है, हम लोग का अभी तो यही चैनल चलेगा, वंश से बात हुई। ठीक है।